हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे चेरी मूवी की, जो कि एक एप्पल ओरिजिनल फिल्म है। मूवी को रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया और इसमें टॉम हॉलैंड हमें नज़र आते हैं, और ये एक रीज़न है जिस वजह से मैंने ये मूवी को देखा हो। खैर मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 21 मिनट की, और ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज विद मल्टीपल सबटाइटल्स देखने को मिल जाएगी। उसमें इंग्लिश और हिंदी भी सबटाइटल्स अवेलेबल है। मूवी की कहानी बेस्ड है एक नॉवल पर जिसे लिखा है निको वॉल्कर ने, और इस मूवी की कहानी फोकस करती है टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर निको पर, के साथ 2002 से लेकर 2007 में क्या कुछ चीज़ें हुई थी, कैसे उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए थे, कैसे वो यूएस सोल्जर बना था, उसके बाद कैसे वो चोर बना और किस वजह से उसने सारी चोरी की, ये सब कुछ आपको इस पूरी मूवी में 2 घंटे 21 मिनट के दौरान देखने को मिलेगा। खैर अब बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो एक ही चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मूवी में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल टू नरेशन सुनने को मिलेगा, लेकिन ये मूवी आपको अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेगी। यहाँ पर निको वॉल्कर की लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को कवर किया और जितना डिटेल में हर एक चीज़ों को बताया ना, उसके लिए यहाँ पर मेकर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। बट ये डिटेल में बताने के चक्कर में मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जो सेकंड हाफ है जहाँ पर थोड़ा वो मूवी ड्रैग होती है वहाँ पर हमें नज़र आती है। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो भाई एक ही कैरेक्टर है टॉम हॉलैंड का, जिसको इस पूरी मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया। हालांकि जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उनके बारे में भी इतना तो हमें नरेशन के थ्रू बताया जिससे हम लोग उन कैरेक्टर्स के बारे में ईजिली समझ सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यार हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही डिटेलिंग में शूट किया है, लोकेशंस बहुत ही कड़क है। उसके अलावा मूवी के अगर बीजीएम की बात करूँ तो हर एक जगह पे आपको अलग अलग बीजीएम सुनने को मिलेगा। कुछ बीजीएम बहुत ही अच्छा है और कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है, उस सीन के साथ मैच नहीं होता, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बीजीएम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट टॉम हॉलैंड ने बता दिया कि यार वन ऑफ दी बेस्ट एक्टर है, क्योंकि इस तरीके के रोल को इतनी डेडिकेशन वे में निभाना कि ऑडियंस जब इस मूवी को देखे तो उसके माइंड में ज़रा भी ये ख्याल नहीं आया कि यार ये बंदा स्पाइडरमैन का रोल प्ले करता है। यानी कि आपको ऐसा फील आता है कि वाकई में ये वही रियल लाइफ कैरेक्टर है जो आप लोग पर्दे पर देख रहे हो, जो कि यार टॉम हॉलैंड की जितनी भी तारीफ करें यहाँ पर कम है। तो उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन सभी लोगों ने अपने रोल को डिसेंट निभाया। मूवी का डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा, लेकिन रूसो ब्रदर्स को ये मूवी की जो एडिटिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। एडिटिंग इसकी बहुत ही गंदी है, यानी कि ये मूवी 2 घंटे 10 मिनट की इजीली बन सकती थी, लेकिन उसका जो 10-15 मिनट इस मूवी में खींचा है ना वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 30 से 31 मिनट वहाँ पर आपको किसिंग सीन देखने को मिल जाएंगे, जो कि और मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। तो बस यार इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नए अच्छा लगे तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर देना।